देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये मतलब कि ये वो चीजें जो तुम रट नहीं सकते। अगर तुम्हें रटना है ना तो दो पॉइंट याद रखो। डीएनए का अमाउंट कहाँ चेंज होता है, जल्दी बोलो। डीएनए का अमाउंट एस फेज में चेंज होता है, एस फेज वहां डीएनए का अमाउंट डबल हो रिकॉर्डिंग जाता है। ऑफ नो रिकॉर्डिंग ऑफ है, सर सॉरी ठीक है। वो तो डीएनए का अमाउंट कहाँ चेंज होता है, एस फेज में। और क्रोमजोम का नंबर कहाँ वेरी करता है, याद करो मैंने कहा था एनाफेज में क्रोमजोम जब डिवाइड करेगा तो सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग होगा, तो इच क्रोमेटीड को ही आप क्रोमजोम बोलने रखते हो। तो एनाफेज में क्रोमजोम का नंबर डबल हो जाएगा। और हम लोग डीएनए के अमाउंट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों याद रखो। डीएनए का अमाउंट, डीएनए को एक्चुअली क्या होता है ना, पिकोग्राम, ये यूनिट है उसका नापने का। डीएनए के अमाउंट को मेजर किया जाता है कि एक सेल में इतना पिकोग्राम डीएनए है, और उस फिर स्टैंडर्ड यूनिट बना लेते हैं उससे, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना अपना यूनिट होता है कि एक हैप्लॉयड सेट में जितना डीएनए होता है उसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे ऐसे ये कुछ भी एज्यूम किया जा सकता है। बस तुम समझो कि डीएनए के अमाउंट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लेवल पे इतना काफी है। और क्रोमजोम के सेट को, क्रोमजोम को नहीं, क्रोमजोम के सेट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मिनिमम सेट क्या होगा, मोनोप्लॉयड मतलब हैप्लॉयड, हालांकि दोनों चीजें अलग अलग होती है, आपको आगे चलकर पता चलेगा। आप ये समझो मोनोप्लॉयड हैप्लॉयड अभी एक ही होता है, तो एक सेट मतलब एन। तो अब उसमें क्या चेंजेस आएगा, तो वो तो अब मैंने क्या किया कि सेल डिवीजन माइटोसिस के दौरान आप पढ़ रहे हो चेंज इन डीएनए अमाउंट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग वन साइकल ऑफ माइटोसिस, वन साइकल ऑफ माइटोसिस। और ये सब कुछ आप कहां देख रहे हो, एक सिंगल सेल के अंदर। तो आप यहां पे लिखो चेंज इन डीएनए अमाउंट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेल, ये मेंशन कर लेना, इन वन सेल ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ माइटोसिस। तो एक सेल से लास्ट में दो सेल बनना है, देखते हैं क्या क्या चेंजेज आया। देखो अब वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा क्रोमोसोम लेके चलते हो। अच्छा एक बात बता दूं, 12th का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसमें एक टेबल है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्रोमजोम का नंबर दे रखा है, और वो एक्सक्लूसिवली याद करने वाली चीजें हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आप जहां पे क्रोमजोम पढ़े हो वहां जगह हो तो वो टेबल बना लेना, छोटी सी टेबल है। ये कई बार डायरेक्टली भी पूछ ले जाता है कि जैसे ह्यूमन के अंदर तो आपको याद हो ही गया होगा 46 होता है, ऐसे ड्रोसोफिला में 8 होता है, ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म का वहां पे दे रखा। हालांकि चीजें जेनेटिक्स में लगभग याद हो जाती है बच्चों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप देखना चाहो तो जैसे अनियन में 16 होता है, तो हो सकता है कई बार आपको वो दे भी नहीं कितना होता है और डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे दे। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो दिए उतना क्रोमोसोम नंबर पता होना चाहिए। हाँ बोलो क्या, सोलह सर ऑनियन में 14 ना बुक में सोलह 14 दिया चौदह कहाँ कहाँ 14 दिया है, कहाँ 14 दिया है, किस बुक में 14 दिया है। सर क्वेश्चन में 14 दिया हुआ था अज्यूम, अज्यूम क्या हुआ है, ऑनियन टिप सर प्रूफ ऐसे ही लिखा है क्वेश्चन में 14 कहां से दे दिया जी, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कुछ लाइन डाटा। पूरी पढ़ूं लाइन पूरी मैं पढ़ूं देख ले रहा हूं ना, 16 दे रखा है, कहां 14 है। नया एनसीईआरटी है क्या, नो सर पहले वाला तो पहले वाले एनसीईआरटी में तो मेरे में 16 लिखा है, नए वाले में 16 ही है तो ये 14 कैसे आ गया, इसका लगता है सर बहुत मेरे पुराना में आंसर। एट तुम्हारे हाँ में पुराना एनसीईआरटी मेरा तुम्हारा, 14 क्रोमोसोम लिखा हुआ है हाँ तो बहुत पुराने एनसीईआरटी में तब गलत होगा, 16 करो उसको, 16 होता है ऑनियन में, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे भी, 16 होता है, ठीक है 16 होता है। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि एक सेल के अंदर, सुने इधर, न्यूमेरिकल का बेसिक तैयार कर रहा हूं, एक सेल के अंदर क्या चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम के नंबर और डीएनए के अमाउंट में जब एक बार माइटोसिस होगा। तो वो तो अब आपको पता है कि यहां से यहां तक तो क्या हो गया भैया, इंटरफेज हो गया, ये तो इंटरफेज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तो क्या हो गया भैया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, पता है आपको, ठीक है। और ये साइटोकाइनेसिस है, और फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को मिला के आप क्या कहते हो, एम फेज कहते हो, ठीक है। और फिर दोनों को मिला के आप क्या बोलोगे, माइटोसिस, ठीक है। दोनों को मिला के आप क्या बोलोगे, माइटोसिस। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं,
ये तो क्या भैया इंटरफेज है, ये क्या है इंटरफेज है, ठीक है। और यहां पे ये क्या है कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो इसी दौरान क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया होगा बंटवारा, और ये साइटोकाइनेसिस तो खैर है ही, ठीक है। और इसी को दोनों को मिला के, किसको, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को मिला के क्या कहते हैं, एम फेज। और यहां एम का मतलब क्या, माइटोसिस। और यही एम फेज और इस इंटरफेज को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि किस दौरान कितना चेंजेस आया डीएनए के अमाउंट में, और मैं कौन सा सेल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ह्यूमन का एक डिप्लोइड सेल। मतलब मैं मान रहा हूं कि ह्यूमन का एक नॉर्मल डिप्लोइड सेल क्या करने जा रहा है, डिवीजन करने जा रहा है। तो इस दौरान डीएनए के अमाउंट में क्या चेंज आया, वो बात मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि डीएनए के अमाउंट में क्या चेंज आया, और क्रोमोसोम के नंबर में क्या, ये मेरे पास जगह नहीं बच रहा है यार। अच्छा ठीक है, इधर ले लेता हूं मैं, क्रोमोसोम के नंबर में क्या चेंज आया वो बात मैं इधर लिख ले रहा हूं, चलेगा। चलो, मैंने क्या कहा कि एक पैरेंटल सेल है, ह्यूमन का डिप्लोइड सेल है, और आपको पता है ह्यूमन के डिप्लोइड सेल में, नॉर्मल सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 2n नंबर होता है, और 2n का वैल्यू होता है 46। ऐसे लिखोगे पूरा, डिप्लोइड होता है, मैंने बोला डिप्लोइड है, और ह्यूमन के डिप्लोइड सेल में कितना टोटल क्रोमोसोम होता है, 46। हालांकि वो धागा होता है जीवन के स्टेज में, मैंने कहा ना क्वेश्चन में आपको धागा नहीं लिखा मिलेगा, क्रोमेटिन नहीं, क्रोमेटिन क्रोमोसोम ही बोल देते हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ क्रोमोसोम नंबर लिखा है, कंट्राडिक्शन खड़ा मत करना, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब रही बात कि सर डीएनए का अमाउंट क्या है, तो यही तो मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन के एक डिप्लॉयड सेल में जो डीएनए का अमाउंट मेजर किया गया है वो किया गया है 2c। कितना किया गया है, 2c, मतलब एक डिप्लॉयड सेल है उसमें टोटल जितना भी डीएनए है न्यूक्लियस में, उसको अगर मेजर किया जाए तो 2c अमाउंट ऑफ डीएनए है। तो यही सेल गई है डिवीजन में, ठीक है। चलो, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, शिवानंद एस फेज में दोनों का वैल्यू बताओ। सर 4c एंड 92 क्या क्रोमोसोम नंबर। यस सर, यही तो बच्चा यहाँ गलती करता है, यही चीज हम सिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है। एक्चुअल में क्रोमोसोम का मतलब क्रोमेटिन है, वो जो धागा था ना, ये ऐसे ऐसे धागा था, ठीक है। उस धागे में जीवन के दौरान एक डीएनए था, और इसी धागे में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। इसी धागे में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, धागा मोटा हो गया, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि जेनेटिक मटेरियल का नंबर यहां बढ़ गया, यह मतलब कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, ऐसा नहीं बोलोगे आप। धागा 46 ही है, लेकिन हाँ, हर धागे के अंदर डीएनए का कंटेंट डबल हो गया। बोलो शिवानंद, अभी भी तुम्हारा ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तुम ये गलती बार बार कर रहे हो, इसलिए बोल रहे हैं। डीएनए का अमाउंट यहाँ पे चेंज हुआ है, डबल हुआ है, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट अभिषेक बताएगा, जीवन में डीएनए का अमाउंट बताओ। चलिए जी टू में फोर सी। और क्रोमोसोम का नंबर सर 2n46 इक्वल टू। हाँ, अभी कुछ नहीं चेंज होगा, यही रहेगा। अभी जीवन में कोई चेंज नहीं आता, ज्यादा केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन बनना है। हर्ष प्रोफेज में बताओ। डीएनए विल बी 4c। हाँ, एंड क्रोमोसोम नंबर विल बी 2n, दैट इज 46। बस कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है तब, बोलते जाओ। सेंट्रियोल बना था, हुआ क्या है कि वो सारे क्रोमोसोम आके इक्वेटर पे अरेंज हो गए। तुम बताओ जी, तुम यहाँ एनाफेज में ठीक है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए, बच्चा सोचता है ना सर क्रोमोसोम का नंबर यहां डबल हुआ तो डीएनए का अमाउंट भी 8c कर दें। अरे नहीं यार, उसी सेल के अंदर क्या हुआ ना,
पहले मेटाफेज में ऐसा था कि ये एक क्रोमोजोम था, अब उसी सेल के अंदर जब एक क्रोमेटिड टूट गया तो एक एक क्रोमेटिड को हम क्रोमोजोम बोलने लगे, तो डीएनए तो उसी सेल के अंदर उतना ही है, डीएनए का अमाउंट तो केवल स्पेस में डबल होगा, फिर तो डीएनए वही रहेगा। हाँ, यहाँ क्रोमोजोम का नंबर डबल कैसे हो गया, प्लॉयडी नंबर डबल कैसे हो गया, वो इस कदर हो गया कि यहां पर जो क्रोमेटिड दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गया, वो दोनों अपने अपने क्रोमोजोम कहलाने लगे, तो चार सेट हो गया, क्योंकि ऐसा एक क्रोमोजोम इधर भी था तो ये भी टूटा था, तो जब ये टूटा था यहां पे तो एक क्रोमोजोम इसका इधर ये और ये इधर ये, तो ये एक ही कलर का चार क्रोमेटिड दिखने लगा, मतलब वो चार क्रोमोजोम है फ्यूचर का, अभी वो एक सेल के अंदर है, तो वो 4n = 92 बोलो, ये बात सभी को समझ में आया, हाथ खड़ा करो जल्दी बोलो, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, मैं देखो अलग कलर से लिख रहा हूं, एम्फेसिस दे रहा हूं। नेक्स्ट इधान बताओ, टीलोफेज में सर, टीलोफेज में 4c डीएनए और क्रोमोसोम नंबर 4n = 92। हां, अब देखो ये सही बताया है, अब देखो मेरा स्टेट, कई सारे लोग बोलेंगे कि मैंने गलत बताया है, अब मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को, मैं क्या ही बोलूं ऐसे लोगों को, मैं तो बस इतना ही कहता हूं, ऐसे लोग जितना जल्दी भगवान उनको सदबुद्धि दे। अब लोग यहां ये नहीं पढ़ेंगे इन वन सेल, अरे भैया मैंने वन सेल बोला है, अब कई बार वो क्या बोलने लगेंगे, नहीं नहीं 2n = 46 और 2c बताते हैं टीलोफेज में, रे भौंट कहां बताते हैं 2n = 46 और 2c पता भी है, टीलोफेज के दौरान बताते हैं एक सेल के ईच पोल पर, और ईच पोल के लिए जवाब सही है, पहले लाइन तो पूरा बोलना सीखो, लाइन तो पूरा बोलना सीखो, 2n = 46 और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए सही है टीलोफेज के दौरान, लेकिन कहां, एक सेल के एक पोल पर, और मैं एक सेल के अंदर पूछ रहा हूं ना, तो यहां पे भी 2c और 2n = 46 होगा, तो 2c जोड़ने पे यार 4c आता है, मैंने बचपन में तो यही गणित पढ़ा है, और 40 जोड़ने पे 92 ही आता है, मैंने भी यही गणित पढ़ा है, तो गणित यही है। हाँ, इच पोल पे पूछेंगे तब जवाब यही होगा, क्लियर है बात, कितनों को समझ में आ गया, खड़ा करो। चलिए अब आते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में कौन बताना चाहेगा, हाथ खड़ा करो, शिवानंद, शिवानंद को बोलने दो, ये बहुत इसके मन में बहुत बात आता है, ठीक है इसको बोलने दो, तो इसके मन में जो बात आ गई बोल नहीं पाएगा, चलो बोलो, वन सेल का बात हो रहा है, बात ध्यान रखना। यस सर, 2c सर, 2n = 46। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो, 2c 2c 2n = 46, शाबाश, क्योंकि सेल डिवाइड कर चुका है, आप ईच सेल का पूछ रहे हैं ना, वन सेल का पूछ रहे हैं ना, अब देखो ये जैसे ये देखो इधर इधर इधर, हेलो हेलो, पेरेंटल सेल और डॉटर सेल, क्या जेनेटिक मटेरियल सेम रहा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये टेबल बना लेते हैं क्लास में अच्छे से, जैसे मैंने लाल पीला बनाया है, फिर छत पे दौड़ लगा के इसको याद करते हैं, 2n कहां होगा, 2n कहां होगा, यहां वहां ट्रिक व्रिक बनाने लगते हैं, ट्रिक व्रिक बनाने लगेंगे रटने के लिए, और जिनको इससे भी नहीं सफड़ेगा तो एक पेज में सारा कुछ लिख के मिक्सी में थोड़ा सा नमक चीनी मिला के वो पेज डाल के मिक्सी बना के घोल के पी लेंगे ताकि याद हो जाए। अरे भैया ये रटने की चीजें है ही नहीं, टेक्निक याद ही रखना है तो दो बात याद रखो, डीएनए का रेप्लिकेशन एस्पेस में और सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग एनाफेस में, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लो और रटो मत। आज मैंने 46 लेके किया है, कल को नंबर चेंज हो जाएगा, ये माइट सुनना, ये हिसाब किताब माइटोसिस की है, मियोसिस की हिसाब किताब चेंज होगी, जब मियोसिस पढ़ाएंगे तो बताऊंगा मैं, मियोसिस वन मियोसिस टू का अलग अलग चक्कर पड़ेगा वहां, ठीक है, तो हिसाब किताब चेंज भी होता है। तो आप क्या करो, ये टेबल तो बनाओगे बनाओगे, ये टेबल आप में आपके कॉपी में बना हुआ है, लेकिन कि आप ये टेबल जहां बना हुआ वहां नहीं बनाना था, अब बनाना था अब लास्ट में, ठीक है, तो आप ये इस चीज को अंडरलाइन करके और इस चीज को अंडरलाइन करके ऐसे, अरे अरे अरे, इस चीज को अंडरलाइन करके भी एक बात लिखना है आपको, क्या क्या लिखना है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेरेंटल सेल एंड डाउटर सेल प्रूफ्स दैट माइटोसिस इज
इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन राइट। बोलो टेबल बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। अब बोलो इस टेबल में किसी को कोई समस्या हो तो हाथ खड़ा करो, मैं पूछ लूंगा उससे, जिसको समस्या वो हाथ खड़ा करो। किसी को कोई समस्या नहीं है तो अब आ जाते हैं एनसीईआरटी वाले उस क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया था, उस दिन बच्चों ने बनाया नहीं था, इसलिए मैंने गुस्से में केवल आंसर बता दिया, रीजन नहीं बताया। वैसे आप बना तो लिए ही होंगे, आप इतने तो होशियार हो चुके हैं सेल पर पढ़ के, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल दियर लाइफ, इसका आंसर क्या होगा? नो मैंने कहा था कि सेल हमेशा डिवाइड नहीं करती और लाइफ टाइम नहीं करती है। अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें हाउ पूछा है, इसमें हाउ पूछ रहा है, तो हाँ तो हाउ टू प्लान, हाँ तो ग्रो देयर लाइफ, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब वो जब तक ग्रोथ करती है कंटिन्यू, तो आंसर इसका क्या होगा? सेल डिवीजन। पहले आंसर सेल डिवीजन ही लिखा है, यस और नो? नो, पहले इसका आंसर नो लिखा देते क्या? हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स, आंसर इज सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट वन, डू ऑल सेल इन प्लांट डिवाइड ऑल टाइम, इसका आंसर नो। अरे प्लांट में भी हर सेल हमेशा थोड़ी नहीं डिवाइड करता है, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? नो कॉमा, मैं लाइन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, नो कॉमा परमानेंट सेल, स्पेसिफिकली आप सेकेंडरी परमानेंट सेल के बारे में लिख लो, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू नेवर डिवाइड। अब क्या होता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, वो आपको एनाटॉमी में पता चल जाएगा, नेवर डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ ऑल बोला है, इसी के लिए मैंने ये लिख दिया, नो जवाब है नो। क्यों नहीं? बिकॉज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू नेवर डिवाइड, ये सब बात आपके एनसीईआरटी में लिखा रहना चाहिए। नेक्स्ट, डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन, हाँ बोलो सर, एक मिनट सर वेट कीजिएगा, बाहर प्रॉब्लम हो गया है। अरे यार एक मिनट जल्दी से आओ यार, मतलब लाइव क्लास में ये सब चीज नहीं चलता है, तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये देख लेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Do you think all cells continue to divide in all plants and animal? Answer is no. अरे हर cell थोड़ी, अरे ये पहले वाले question का ही extension है। यहाँ पे क्या लिखा? Do all cell in plants divide all time? जवाब है नहीं, हमेशा divide नहीं करती है, जरूरत पड़े ये secondary tissue तो divide करती ही नहीं है। और इसमें क्या? इसमें जवाब no होगा, all cell थोड़ी divide करती है यार, जिसको डिवीजन, जिसके पास कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन है वही डिवाइड करती है। तो आप इसमें आप क्या बता सकते हो? इसमें भी वही आप रीजन दे सकते हो क्या? नो, और इसका रीजन क्या लिखोगे? कॉमा यहां लिख दोगे, इधर इधर, बिकाउज हार्ट सेल, नर्व सेल, हार्ट सेल, नर्व सेल इन एनिमल, इन एनिमल, उसके बाद सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू डू नॉट कंटिन्यू टू डिवाइड, डू नॉट कंटिन्यू टू डिवाइड व्हेन एंटर इनटू, व्हेन एंटर इनटू जीनोट स्टेज, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन यही था, देख लो तुम गए थे, देख लो थर्ड क्वेश्चन यही था, थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या आप सोचते हैं कि ऑल सेल प्लांट हो या एनिमल हो, ऑल सेल डिवाइड करते रह जाएगी? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एनिमल में हार्ट सेल, नर्व सेल और भी है कुछ ऐसे, और प्लांट में सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू एक बार जीनोट में चले गई तो फिर वो डिवाइड नहीं करती है, तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्या है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ
name and the location of tissue having cells that divide all their life in higher plant. Yes. Iska answer hai yes, meristematic cell. इसने पूछा क्या आपके पास जवाब है, तुम बोला हाँ हम मेरे पास जवाब है. जवाब क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल एट रूट टिप एंड कहाँ लिखूं यार मैं, एंड शूट टिप और ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम. ऐसे रुको रुको मैं इसका आंसर यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ. ये सब बात या तो आप नोट्स में लिख लो या एनसीईआरटी में लिख लो. ठीक है यहाँ पे लिख दूं चलेगा, नहीं चलेगा तो चलाना पड़ेगा. चलो देखो इधर यहाँ क्या लिखोगे, यस यस क्या लिखोगे कि सूट एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टम है वो, सूट एपिकल मेरिस्टम हमेशा डिवाइड करती है. सूट एपिकल मेरिस्टम MERIS सूट एपिकल मेरिस्टम एट सूट टिप एनाटॉमी में सब और क्लियर हो जाएगा. एंड रूट एपिकल मेरिस्टम एट रूट टिप. लोकेशन हो गया सूट टिप रूट टिप और टिश्यू का क्या नाम हो गया रूट एपिकल मेरिस्टम एट सूट एपिकल मेरिस्टम एट रूट टिप. हालांकि इसमें इंटरकलरी मेरिस्टम भी आता है, यह बात कल आपके सिग्निफिकेंस में छूट भी गया था कि ये सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम और इंटरकलरी मेरिस्टम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं उसको. ठीक है ये सब किससे डिवाइड करती है, माइटोसिस से ही करती है. एनाटॉमी में भी आपको अच्छे से बता दूंगा. ठीक है तो ये माइटोसिस का एक सिग्निफिकेंस भी है. प्लांट के अंदर स्टार्टिंग में सूट इतना बड़ा रहता है, धीरे धीरे ग्रो करते करते इतना बड़ा हो जाता है. कैसे होता है, ये जो सूट एपिकल मेरिस्टम है वही माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रही है. माइटोसिस रूट इतना सा रहता है, डिवाइड करते करते बहुत अंदर चला जाता है. तो रूट एपिकल मेरिस्टम जो है एपिकल पोजीशन किनारे पे वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है. तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया. नेक्स्ट लास्ट में एक क्वेश्चन और है. इधर गया भैया. हाँ डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेस्टमेटिक टिश्यूज. यहाँ पे मेस्टमेटिक टिश्यूज बोला इसलिए मैंने इसका आंसर बोला नो. अगर बोलेगा क्या इस टाइप का टिश्यू है जो लगातार डिवाइड करती है, मेस्टमेटिक टिश्यू तो नहीं है, बोला हैव सिमिलर मेस्टमेटिक टिश्यू तो नहीं है. लेकिन आप यहाँ क्या बोलोगे, लाइक मेस्टमेटिक टिश्यू. कैसे लिखूं यार, कहाँ पे लिखूं, लाइक मेस्टमेटिक टिश्यू ऐसे ऐसे नो, बट एपिथिलियम गट ऑफ एपिथिलियम ऐसे ऐसे एपिथिलियम ऑफ गट और क्या जल्दी बोलो, एपिडर्मिस. कल समझाया था स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस और ब्लड सेल कंटिन्यू डिवाइड मतलब कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड. मैंने समझाया था कि जो एपिथेलियम में लगातार कट लगते रहता है बनते रहता है, एपिडर्मिस लगातार बनते रहता है, ऐसा नहीं कि जीवन भर बनते रहेगा, उसका भी एक लिमिटेशन होता है. ठीक है लेकिन इसलिए तो मैंने इसका जवाब बोला, यहाँ पे सिमिलर बोला है ना तो मैंने कहा नो. हाँ लेकिन उसके जैसा कंटिन्यू डिवाइड करने वाला कुछ सेल होता है, कंटिन्यू डिवाइड करने वाला होता है, मेस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी नहीं रखता है. बोलो इस पांचों सवाल का आंसर आ गया. एक मिनट रुक जाओ, किसी को कोई डाउट हो तो हाथ खड़ा करो इस पांचों सवाल में. चलो नो डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो. इन पांचों जवाब का आंसर या तो आपके एनसीईआरटी में ही लिखा होना चाहिए या नहीं तो जहां माइटोसिस खत्म होता है वहां पे आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हो, वहां पे आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हो. और ये सब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन के. अब मैं लेता हूं नेक्स्ट. ये वाला क्वेश्चन था अपना,
अपने पास, लेकिन उतना टाइम है नहीं कि उसको मिटा के वहां पे हम लिखें। सर पूरे क्वेश्चन कॉपी करके ले आइए ना। अरे छोरा ना, हो जाएगा, हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह ही तो बनाना है मुझे। हो गया, बन गया जगह, तो बड़ा बात थोड़ी है जगह बनाना। हो गया, इतना अच्छी जगह में तो आराम से लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, यू हैव स्टडीड, अरे क्या हो गया, ओहो अरे हटाओ यार, चलो हटाओ। क्वेश्चन क्या है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप सेल। चलो रूट टिप सेल कैसे डिवाइड करती है, मैंने कहा माइटोसिस से, और ओनियन रूट टिप सेल तो इसके ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, 2n इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, 2n इज इक्वल टू 16 डिप्लॉयड सेल है जो माइटोसिस शो करेगी। लिख भी दिया आगे, इट हैज 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, लिख दिया है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट जीवन, बताओ जी जीवन के पास, ये बताओ, ये शिवानंद जीवन के पास क्रोमोसोम। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अर्थ देख लो, यहां क्रोमोसोम लिखा है, देख लो क्रोमोसोम लिखा, और तुम ये लाइन गलत नहीं करने लग जाओगे वहां, टेक्निकली तो गलत है ही लेकिन नहीं लड़ोगे, वो ऐसे ही पूछता और ऐसे ही हमें जवाब देना है, हालांकि यहाँ क्रोमेटिन होता है तुम्हें पता है। चलो बता रही शिवानंद, यहाँ कितना हुआ क्रोमोसोम का नंबर, 46 सस्ता नशा करते हो क्या, तो है बोतल की शीशी दोनों में अंतर है, करे हम तो पॉलिथीन में काम चला लेते हैं। 23 अरे भाट, यहाँ 2n इक्वल टू 16 है, ये ह्यूमन का सेल नहीं है, ऑनियन टिप का सेल है यार, यही तो अभी मैंने सिखाया कि आप पेरेंटल से क्या, सर हमको लगा क्या जैसे कि बोला बताया क्या ऐसा ऐसा होता है ऑनियन में, सर अब ह्यूमन में क्या, यार यहाँ लिखा है ऑनियन रूट टिप है, सॉरी सर ऑनियन का रूट टिप जो रूट है टिप है वो माइटोसिस से डिवाइड करता है, और उसके पास 2n = 16 सेल है, मतलब 2n = 16 क्रोमोसोम है, तो जीवन में कितना होगा, 2n = 16 ही होगा। Yes. ठीक है, चलो यहाँ क्या पूछा, क्रोमोसोम का नंबर पूछा, ये बात अंडरलाइन कर लो रे भैया मेरे, क्रोमोसोम का नंबर पूछा, अंडरलाइन कर लो, डीएनए का मॉडल। चलो अभिषेक बताओ, एस फेज में जल्दी सेम रहेगा, एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। अब देखो यहां वर्ड को करो अंडरलाइन, यहां वो क्या पूछ दिया, आफ्टर एम फेज, आफ्टर गौर करो, आफ्टर आफ्टर एम फेज, और अगर वो एम फेज बोल दिया आफ्टर एम फेज तब तो हम मान लेंगे कि साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है ना, उसके बाद की बात हो रही है ना, तो मैं मानूंगा यहाँ पे अगेन 2n = 16 क्योंकि माइटोसिस से डिवाइड करती है ओनियन रूट टिप सेल, ऐसा मैंने आपको बताया है, ओनियन रूट टिप सेल माइटोसिस से डिवाइड करती है। हाँ अगर यहाँ आफ्टर नहीं लिखा होता तो यहाँ आंसर कुछ और होता, आफ्टर एम फेज इसका मतलब लिख लो, इसको घेर के इसका मतलब लिख लो, मीन्स अगेन इंटरफेज, मीन्स अगेन इंटरफेज, और इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम का नंबर अब चेंज नहीं होगा, तो ये 2n = 16 रह गया क्या, नहीं बीच में डबल हुआ था एनाफेज में, फिर साइटोकाइनेसिस के बाद फिर इक्वल हो गया, क्लियर है, तीनों का जवाब सेम। आफ्टर एस फेज का तो G2 होगा ना सर, अरे आफ्टर एम फेज का मतलब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद दो सेल बने, तो दोनों सेल तो पहले G1 में तब एस तब G2 यानी कि इंटरफेज। बोलो ये आफ्टर एस फेज जो दिया हुआ था सर उसका मतलब, अच्छा तो यहाँ, अरे हाँ यार ये सही पकड़ा है, हाँ तो आंसर फिर भी वही होगा, नहीं ऐसे ये आंसर वही होगा, हाँ आंसर वही होगा, ये सही पकड़ा है, ये आफ्टर एस फेज का मतलब यहाँ G2 होगा, ये सही पकड़ा है, मींस G2, ठीक है सही पकड़ा, आफ्टर एस फेज का मतलब G2 होगा, ठीक है। चलो
तो ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब दूसरे वाले का लेते हैं, दूसरे में क्या लिख रखा है, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट बोला है, पहले बात तो अंडरलाइन कर लो कि यहां क्या पूछा, डीएनए कंटेंट पूछा है, डीएनए कंटेंट पूछा है ऑफ द सेल्स एट जीवन। अब वही सेल है, अरे यार क्या हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, अब जीवन, जीवन का पूछा है, ठीक है। तो जीवन के दौरान वो सेल क्या है, 2 × 16, तो अब यहां डीएनए कंटेंट क्या रिप्रेजेंट करने, वो तो कुछ बोला नहीं है, लास्ट में देखो लिखा है आफ्टर एस एंड एट जी टू इफ कंटेंट आफ्टर एम फेज इज 2C, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब इंटरफेज है, इसका मतलब इंटरफेज यानी कि पेरेंटल सेल इंटरफेज में रहती है ना, वो तो डिवीजन करने के लिए आती है, उस टाइम डॉटर सेल कहां बनी है, यानी कि पेरेंटल सेल के पास 2C है, यानी कि 2N = अमाउंट का डीएनए का अमाउंट 2C बताया गया है। तो बच्चा बोलेगा सर ह्यूमन में भी 2C, वहां पे भी 2C, अरे बोलता रहो यार, डीएनए का साइज अलग अलग होता है अलग अलग सेल में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो डीएनए का अमाउंट सेम क्यों नहीं आ सकता है, 16 क्रोमोजोम और 46 क्रोमोजोम का डीएनए का अमाउंट सेम आ सकता है, क्योंकि डीएनए का साइज वेरी करेगा, और यहाँ अमाउंट की बात चल रही है, नंबर की बात नहीं चल रही है, बात ध्यान रख लो, सी इज द अमाउंट ऑफ डीएनए नॉट द नंबर ऑफ डीएनए, ये बात कितने को क्लियर होगी, हाथ खड़ा करो, सी इज द अमाउंट ऑफ डीएनए। हाँ तो चलिए अब देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए जल्दी से, क्या है कंटेंट ऑफ सेल्स एट जीवन, तो हो तो गया पता चल तो गया 2C, आफ्टर एस फेज, आफ्टर एस फेज एंड G2 एक ही लाइन है, नहीं नहीं एट G2, हाँ एक ही लाइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 2C, एक मिनट में सॉरी एस फेज आ गया बीच में, रेप्लिकेट होगा, हाँ एस फेज में रेप्लिकेट हो जाएगा, क्या सभी लोगों का आंसर यही था, हाथ खड़ा करो जिनका आंसर आया था, क्या यही आंसर था, चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ पर माइटोसिस खत्म हो गया, और माइटोसिस कंप्लीट। अब देखो माइटोसिस के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, वो मैं लास्ट में चैप्टर के लास्ट में मैं स्पेशल पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, तो वहां पे बताएंगे, इतना सफिशियंट है माइटोसिस के लिए। अब आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल दूंगा अब मैं मॉड्यूल का, अब आप मॉड्यूल का न्यूमेरिकल दमादम लगाओगे और आपको आएगा मजा, इसलिए कल न्यूमेरिकल नहीं दिए थे, मतलब होमवर्क नहीं दिए थे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी आता कई सारा, डिस्कस कर लिए, एक खुद दिए हम ये वाला, एक न्यूमेरिकल तो हम खुद दे दिए, आ गया एक न्यूमेरिकल तो हम खुद दे दिए ये वाला, एक एनसीईआरटी वाला करा दिए, सेम पैटर्न है, पैटर्न सेम है, बस वैल्यू चेंज हुआ है। अब ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, अब ये आप देख लेना, और सारे क्वेश्चन आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे बच्चे, फोनियन वाला नहीं लिया, अब तो ये मिट भी गया, गया स्क्रीनशॉट कोई भी नहीं लिया, हाँ यूट्यूब पे ले लेना, यूट्यूब पे ले लेना, यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देना, मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, उतना लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जाकर माइटोसिस समाप्त होता है, नेक्स्ट क्लास में हम आते स्टार्ट करेंगे क्या मियोसिस, लेकिन मियोसिस स्टार्ट करने से पहले ही हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस का क्वेश्चन, इसलिए आज जो आपको होमवर्क मिलेगा, आज ज्यादा पढ़ाया कहाँ गया है, किआई इंडेक्स पढ़ाया गया है, बाकी तो न्यूमेरिकल ही कराया गया है ना आपको, कहाँ ज्यादा पढ़ाया गया, टीलोमेर के बारे में थोड़ा सा बात बताया गया है, तो अब वो टीलोमेर के जो क्वेश्चन मैंने बोला था छोड़ दो अभी नहीं मत करना, अब वो तीनों क्वेश्चन भी कर लेना टीलोमेर के, और जो भी होमवर्क आज आपको हम देंगे ग्रुप में भेजेंगे, जो भी क्वेश्चन भेजेंगे आपको हम किसका माइटोसिस का, वो सारा क्वेश्चन कल क्लास आने से पहले लग जाना चाहिए, खाना मत खाना आज, टॉयलेट मत जाना, सोना मत, लेकिन होमवर्क बना लेना, कुछ मत करना, मर जाना लेकिन होमवर्क बना लेना, होमवर्क बना के मरना, मैं चेक कर लूंगा, होमवर्क बना के मरना अगर मरना हो तो, किसी भी हालत में होमवर्क बन जाना चाहिए, क्लियर है। कल क्लास में आते ही पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे माइटोसिस का, और मैं आपको होमवर्क आधे घंटे में भेज दूंगा ग्रुप में, ताकि आप शाम रात कल सुबह तक में बना लो, ठीक है। अब अगर यहां तक मैं किसी को कोई डाउट हो तो एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ, बोल सकता है अभिषेक, कोई डाउट? नो सर। ईरान, हर्ष? यस सर, मॉड्यूल से बहुत दिक्कत है, मॉड्यूल में बहुत सारे पॉइंट समझ में नहीं आए थे। हाँ मॉड्यूल में मैंने जितना पॉइंट समझाया उतना पॉइंट समझ गए, ठीक है, जितना नहीं समझे हो
पेंसिल से घेरा लगा के मुझे भेज देना फोटो, मुझे अगर लगेगा ये काम का चीज है तो ही मैं डिस्कस करूंगा, समझ रहे हो? मुझे लगेगा खुद को ये काम, प्रिंट नहीं निकाला, प्रिंट नहीं निकाला, तो हाईलाइट करके आपको भेज दूंगा। हाँ भेज देना, ठीक है, ठीक है। शिवानंद को डाउट? नो सर। चलो मीटिंग का भी टाइम बहुत कम बचा है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क ये है कि आप ये सब कुछ कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा, और एनसीईआरटी में माइटोसिस अब एक बार पूरा फिर से पढ़ लीजिएगा कंप्लीट, यही होमवर्क है, यही होमवर्क है। एनसीईआरटी में माइटोसिस पूरा सेल स्टार्टिंग से, सेल डिवीजन का स्टार्टिंग से, सेल डिवीजन का स्टार्टिंग से माइटोसिस अंत तक पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू।